हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले, एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको 5 लाख का पर्सनल लोन चाहिए एक्सिस बैंक से 3 सालों के लिए, तो उसका मंथली ईएमआई क्या बनेगा ये कैलकुलेट करके हमें बताना है। और भी हम उनको उन्होंने पूछा है कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं, कितनी जो है मंथली सैलरी होनी चाहिए, और जो है इसके इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं पर्सनल लोन के। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के लेके आते रहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा वीडियो जो है आखिर तक वॉच करिएगा, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपको ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे हमको जाना है पर्सनल लोन के सेक्शन पे, यहाँ पे हमको अमाउंट डालना है 5 लाख रुपये। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल लिया, 5 लाख रुपए का अमाउंट डाल लिया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है तो ये देखने के लिए हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल साइट पे। तो देखिए यहाँ पे इनके इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग जो होती है, तो इंटरेस्ट रेट फॉर पर्सनल लोन विद टेन्योर ऑफ अप टू, अगर आप 3 साल तक के लिए ले रहे हो तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा लगभग 12% से स्टार्टिंग होगी और 21% के अराउंड यहाँ पे जाएगा। तो ये इंटरेस्ट रेट इतने समय चल रहा है एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन का, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो। अब फिर नीचे आइएगा, उनको भी जो चाहिए था वो 3 साल के लिए चाहिए था, तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% से 21% के अराउंड है। तो हमने यही इंटरेस्ट रेट है जो यहाँ पे मान लिया, तो हमने स्टार्टिंग मान लिया। और इसके लिए जो है आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, सिविल स्कोर अगर आपका 750 के ऊपर होगा तो जो बैंक होगी वो आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा उस पर पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी। वहीं अगर आपका सिविल स्कोर जो लो होगा, काफ़ी कम होगा, 600 या 650 के आसपास होगा, तो आपको काफ़ी हाई इंटरेस्ट रेट देना पड़ सकता है। अब उनको लैंड ओनर चाहिए 3 सालों के लिए, तो हमने 3 साल के लिए सेलेक्ट कर लिया। अब देखिएगा मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा, तो मंथली ईएमआई बनेगी 16,607 रुपये की, टोटल इंटरेस्ट आपका बनेगा 97,858 रुपये का, टोटल पेमेंट जो आपको बैंक को वापस करनी होगी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के वो होगी 5,97,858 रुपये। फिर यहाँ पाई चार्ट में जो है अपना परसेंटेज में चेक कर सकते हो कि क्या आपका परसेंटेज बन रहा है जो आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुका रहे हो, तो प्रिंसिपल जो आप दे रहे हो, प्रिंसिपल जो आपने लिया है वो है 83.6%, टोटल इंटरेस्ट जो आप चुका रहे हो वो है 16.4%। तो इस तरीके से जो है आप पाई चार्ट के माध्यम से इसे डिटेल में चेक कर सकते हो। अब नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आप अपना जो है हर मंथ, हर मतलब जितने भी सालों के लिए आपने ले रखा है पर्सनल लोन, उतने सालों का जो है आप यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अलग अलग चेक कर सकते हो। तो 2022 में देखिए प्रिंसिपल आपका 71,407 लगेगा, इंटरेस्ट आपका लगेगा 28,235। ऐसे आने वाले जितने भी साल के लिए आपने रखा, मैंने 3 साल के लिए ले रखा है, तो यहाँ पर आप डिटेल में ऐसे चेक कर सकते हो। अब नीचे आएगा, तो यहाँ पे अपना हर जो ईयरली और मंथली वाइज भी डिटेल में चेक कर सकते हो, तो मंथली वाइज आपका क्या प्रिंसिपल, क्या इंटरेस्ट बनेगा और क्या टोटल पेमेंट बनेगी, ऐसे आप जितने सालों के लिए लिया है यहाँ से डिटेल में आप चेक कर सकते हो, और चाहो तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। तो इस साइट का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा और ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम आपको एक साइट के बारे में बताते हैं जहाँ से जो है अगर आप कोई भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन लेने जाते हो तो आपको उसके ऑफर वगैरह यहाँ से मिल जाएंगे। तो जैसे ये साइट है देसी लोन, ऑल बैंक्स लोन ऑफर, इस पर आपको सारे बैंकों के जो है होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन के जो है इंपॉर्टेंट ऑफर वगैरह मिल जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह भी होंगे जो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे देखिए मैं एक्सिस बैंक के पर्सनल लोन पर गया, ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे अप्लाई के बटन आ गए, ये सारे आपके लिंक्स वगैरह हैं, यहाँ पे उनकी सब जानकारी लिखी हुई है, तो उसके इस पर आप जो है डिटेल में आके यहाँ से चेक कर सकते हो। तो इस साइट का लिंक भी जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार जाइएगा ज़रूर चेकआउट करिएगा। अब हम चलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक लोन हाईलाइट्स देखते हैं, इंटरेस्ट रेट में है जो कि अभी बदलाव हो गया है एक्सिस बैंक, अभी RBI ने जो अपने रेपो रेट बढ़ा दिए हैं, तो बैंकों ने भी अब जो है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं। तो जो स्टार्टिंग होती है बैंक में वो मैंने अभी बताई थी आपको 12% से 21% के अराउंड यहाँ पे होती है। लोन अमाउंट जो आप ले सकते हो 50,000 से 15 लाख तक का जो है पर्सनल लोन ले सकते हो। टेन्योर जो है मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम जो है 5 साल के लिए ले सकते हो। मिनिमम मंथली सैलरी जो है आपकी 15,000 रुपये मिनिमम मंथली सैलरी आपकी होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कुछ इंटरेस्ट रेट, तो कुछ और बैंकों से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो HDFC बैंक का अगर आप पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट लेने जाते हो तो आपको 10.50 से स्टार्टिंग होती है, 21% तक जाता है। SBI 9.80 से स्टार्टिंग होती है, 13.80 तक है। ICICI बैंक 10.50 से स्टार्टिंग है। कोटक महिंद्रा बैंक
भी 10.99% से स्टार्टिंग है, इंडसलैंड बैंक 10.49% से स्टार्टिंग है, IDFC फर्स्ट बैंक 10.49 से 25% के अराउंड यहाँ पे है, बजाज फाइनेंस जो 13% में स्टार्टिंग, और टाटा कैपिटल में अगर आप लेने जाते हो पर्सनल लोन तो यहाँ पे 10.99% से जो है पर्सनल लोन की स्टार्टिंग होती है। अब इसमें फीस एंड चार्जेस क्या लगते हैं वो हम देख लेते हैं। तो रीपेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है आपके चार्जेस जो यहाँ पे देने पड़ेंगे 339 प्लस GST, स्वैप चार्जेस चेक और इंस्ट्रूमेंट तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे, पेनल्टी इंटरेस्ट जो है 24 जो है पर ईयरली देनी पड़ेगी। अगर आप मान लीजिए अपनी मंथली जो है EMI उसको चुकाने में थोड़े से लेट कर देते हो तो आपको 2% यहाँ पे 2% पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। फिर यहाँ पे डुप्लीकेट स्टेटमेंट इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं 250 रुपये लगेंगे, डुप्लीकेट अमाउटाइजेशन शेड्यूल चार्जेस जो हैं 250 रुपये लगेंगे, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो है जिसको सिविल स्कोर कहते हैं उसके 50 रुपये आप, अगर आपको देखना है अपना सिविल स्कोर चेक कराना है कि आपका सिविल स्कोर कितना है तो उसके यहाँ पे 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे। नो ड्यू सर्टिफिकेट जनरेशन चार्जेस जो है 50 रुपये लगेंगे। फिर फोर क्लोजर चार्जेस जो हैं, तो अगर आप जो है अपना टाइम से पहले जो है लोन चुकाना चाहते हो तो अगर आप 0 से 12 मंथ के अंदर चुकाओगे तो आपको 5% देना पड़ेगा, 13 से 24 मंथ के अगर अंदर आप चुका रहे हो लोन तो 4% देना पड़ेगा, और 25 से 36 मंथ के अराउंड अगर आप चुका रहे हो लोन तो 3% आपको यहाँ पे फोरक्लोजर चार्जेस देने होंगे, और अगर आप जो है 3 साल से ऊपर का जो है टाइम ले रहे हो तो आपको 2% का जो है फोरक्लोजर चार्जेस यहाँ पे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ पर्सनल लोन के हैं, देख सकते हैं उनके क्या स्कीमें चल रही हैं। तो पर्सनल लोन फॉर हॉलीडेज, या तो आप जो है अगर कहीं पे हॉलीडेज वगैरह में जा रहे हैं तो उसके लिए आप जो पर्सनल लोन ले सकते हो तो एक्सिस बैंक उसके लिए देता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम जो है 50,000 से 15 लाख तक का ले सकते हो, टेन्योर 1 से 5 साल के लिए। फिर पर्सनल लोन फॉर वेडिंग, अगर आपकी शादी वगैरह है उसके आपको खर्चे लगाने हैं तो आपको, अगर आपकी शादी वगैरह है तो आपको जो अगर पर्सनल लोन की ज़रूरत है तो भी आप जो है एक्सिस बैंक से ले सकते हो, यहाँ भी आपको 50,000 से 15 लाख का तक का अमाउंट मिलेगा, 1 से 5 साल के लिए ले सकते हो। पर्सनल लोन फॉर होम रेनोवेशन के लिए भी यहाँ मिलता है, तो यहाँ भी 50,000 से 15 लाख का है। फिर एक्सिस बैंक पर्सनल लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। तो सैलरीड एम्प्लॉय जैसे होंगे डॉक्टर्स, एम्प्लॉय ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज और एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अंडरटेकिंग लोकल एंड सेंट्रल बॉडीज, तो जो भी सैलरीड इंडिविजुअल हैं या कोई प्राइवेट नौकरी करते हैं, कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे एक्सिस बैंक में। मिनिमम एज जो है 21 साल मांगी और मैक्सिमम एज जो है 60 साल होनी चाहिए, और आपकी जो नेट मंथली इनकम है वो मिनिमम जो है 15,000 रुपये तो होनी ही चाहिए आपकी। आप देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको देना पड़ेगा कम्प्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको देनी पड़ेगी, KYC डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जॉब कार्ड दे सकते हो। फिर यहाँ पर वोटर ID, लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड विद नेम एंड एड्रेस डिटेल, तो ये आप KYC डॉक्यूमेंट इतने दे सकते हो। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप क्या दें, या तो बर्थ सर्टिफिकेट दे दो, या पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से आप कुछ भी दे सकते हो। सिग्नेचर प्रूफ के लिए आपको पासपोर्ट, बैंक वेरिफिकेशन और या तो पैन कार्ड, इनमें से कोई एक जो है डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा सिग्नेचर प्रूफ के लिए। इनकम प्रूफ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, लास्ट 2 मंथ की जो है सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी। एम्प्लॉयड प्रूफ ऑफ 1 ईयर का देना पड़ेगा कि आप जो है 1 साल से लगातार जो है जिस जगह पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे करते रहना चाहिए 1 साल तक। बैंक स्टेटमेंट आपको लास्ट 2 मंथ की दिखानी पड़ेगी जिसमें भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती होगी, और कोई ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी सेल्फ अटेस्टेड, जो है आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए पर्सनल लोन लेने के लिए जो आपको जरूरी होते हैं एक्सिस बैंक में। तो आई होप आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और इन दोनों साइटों पर बेस्ट EMI कैलकुलेटर और यहाँ पे देसी लोन ये वाली साइटों पर विजिट करना मत भूलिएगा। इन दोनों साइटों का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।